वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आंवले से आपको कुछ अच्छा सा खाना के बाद खाने के लिए बनाना बता रही हूँ। और ये है हमारा फ्रेश आंवला जो मैंने 1 kg लिया है, जिसके ऊपर से हल्का सा जो दाग था वो मैंने साफ़ कर लिया है, इनको धोकर सुखा लिया है और थोड़ी देर हम इनको सूखने देंगे। कितने अच्छे लग रहे हैं आप देखिए, बिल्कुल हरे हरे। और 1 kg लिया है मैंने, आधा किलो का मैं ग्रेट करके बनाऊंगी और आधा किलो मैं स्टीम करके और उसको पीस कर बनाऊंगी। तो आपको दोनों मेथड आपको बताऊंगी, तो देखिएगा बहुत टेस्टी ये आंवले की रेसिपी। मैंने क्या किया है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो उसमें से आधा किलो आंवले जो हैं वो मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया है। उनको मैं आपको बताऊँ, ये देखिए आंवला अच्छे से साफ करके आप इसको कद्दूकस की सहायता से, बहुत आसान है, ऐसा मुश्किल नहीं है, चारों तरफ से आप घिसते जाइए। फ्रेश आंवला है ये रख, चारों तरफ से आप घिस लीजिए इसको। देखिए कितना टाइम लगा है, बस इतने थोड़ा केयरफुली आप हाथ ना इसमें आपका कटे इस तरह से। और ये बची हुई गुठली को हम फेंक देंगे, ये पूरा हमने इसका निकाल लिया। ये देखिए थोड़ा फ्रेश कितना अच्छा लच्छा आया है। इसमें डाल रही हूं मैं 1 tablespoon भुना हुआ जीरा। रोस्ट करके इसको हमने तवे पे और फिर पीस लिया है। अब हम ले रहे हैं इसमें 1/2 teaspoon चाट मसाला, 1/2 teaspoon काला नमक, 1/2 teaspoon सफ़ेद नमक, 1/4 teaspoon गरम मसाला, 2 pinch सौंठ और 2 pinch ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये सब चीज़ें हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। काला नमक और सफ़ेद नमक आप अपना टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। आप देखिए ये बहुत आसान सी रेसिपी है और सर्दियों में आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आंवला बहुत गुणकारी है। पहले मैंने आपको शुगर से, चीनी से और बीटरूट से बताया है, वो भी बहुत अच्छा बना था। और ये जो मीठा नहीं खाते हैं, चीनी नहीं खाना चाहते, खाने के बाद थोड़ा सा खाना चाहते हैं तो ये उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए अच्छी खुशबू आ रही है काले नमक की और आप इस स्टेज पर चख सकते हैं। जिस थाली में मैं इसको सुखाने वाली हूँ उसमें मैं इसको डाल दूंगी और ये आप 2 से 3 दिन तक सुखाएंगे, अच्छा सॉफ्ट होने तक सूख जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि सूखने के बाद कैसा बनता है और काफी दिन तक इसको हम स्टोर कर सकते हैं। आप इस समय टेस्ट कर लीजिए, आपको काली मिर्च ज्यादा करनी है, नमक ज्यादा करना है तो ये परफेक्ट टाइम है। इस तरह से फैला के हम इसको हल्की धूप में सुखाएंगे, अगर धूप नहीं आती है तो आप पंखे के नीचे भी इसको सुखा सकते हैं। तो है ना मजेदार रेसिपी, अभी आपको सूखने के बाद फिर मैं बताऊंगी। ये जो आंवले हैं आधा किलो वो मैंने माइक्रो कर लिए, आप स्टीम भी कर सकते हैं, माइक्रो भी कर सकते हैं। आप देखिए इस टाइप से इतना सॉफ्ट हो जाता है, आप देख रहे हैं ना कितना सॉफ्ट है, ऐसे सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे, यानी 3 मिनट माइक्रो कर लीजिए या फिर छलनी में रख के उनको स्टीम कर लीजिए जब तक वो सॉफ्ट हो जाए। और बहुत आसानी से ये ऐसे निकल जाते हैं, इनकी गुठली आप अलग कर दीजिए और इनको फिर हम ग्राइंड करते हैं। अब ये देखिए ऐसे हमने मिक्सी को रोक रोक कर पीसना है, आपको मैं दिखाऊं। अब ये देखिए हमने रोक रोक के इसको पीसा है तो ये पेस्ट बन गया है, फाइन पेस्ट बन गया है। क्योंकि इसमें पानी नहीं डालना है तो थोड़ा रोक रोक कर पीस कर आपको आगे बढ़ना है, यानी ऊपर से ऐसे साइड से निकाल लीजिए, फिर एक बार मिक्सी चला लीजिए और इस टाइप से ये बिल्कुल फाइन, देखिए बिल्कुल भी दरदरा नहीं रहेगा, ये फाइन पीस जाएगा। तो इसको पैन में निकालते हैं। अब हमने गैस को ऑन कर दिया है, ये पेस्ट इसमें डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ब्राउन शुगर, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छी है, तो आप व्हाइट ना यूज करके ये शुगर यूज कीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। ये देखिए इस टाइप से हम इसको मिक्स करेंगे, बस चीनी डिजोल्व हो जाए, शुगर जो है चीनी वो है पिघल जाए इसमें, उतना ही हमको इसको पकाना है। इसमें मैं थोड़े मसाले और ऐड करती हूँ, गैस को धीमा कर देंगे बिल्कुल। ये 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें काला नमक और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा यानी 3/4 टीस्पून हम सफेद नमक डाल रहे हैं, थोड़ा सा पिंच ऑफ हम हींग डालेंगे इसमें, 1 पिंच हींग, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर, सिम पे ही रखना है गैस को और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 3 ड्रॉप्स हम इसमें लेमन जूस की डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। और यहां मैंने सपोज 1 कप मेरा ये मिक्सचर था, पेस्ट था, तो उसमें मैंने 3/4 शुगर डाली है, 3/4 कप। आप कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा मीठी भी नहीं बनती है। और ये देखिए शुगर डिजोल्व हो गई है और अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं, और यकीन मानिए टेस्ट बहुत अच्छा है। आप पराठे के साथ खाइए, आप रोटी के साथ खाइए, स्पेशली आलू के पराठों के साथ तो ये बहुत गजब लगेगी। बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आएगी। तो आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चटनी है, जरूर ट्राई कीजिएगा, खट्टी मीठी चटनी है, टेस्ट के अनुसार आप मीठा कम ज्यादा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये देखिए ये सूख गया है आंवला इस टाइप से, अभी हमें और सुखाना है, इसको 2 दिन हुए हैं, ये कुछ इस तरह से हो गया है। ये हमारा आंवला जो है वो सूख कर बिल्कुल ऐसा हो गया है और बहुत ही अच्छा है देखिए, और इसमें चीनी नहीं है, जो लोग मीठा नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे हम आपको ये प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं कितने अच्छे से सूखा सूखा आंवला तैयार हो गया है। तो आशा करती हूँ आप भी ट्राई करेंगे, तो बनाना टेस्टी, देखने में भी सुंदर, खाने में भी टेस्टी। आप इसको किसी जार में भर कर रख लीजिए, किसी कांच की बोतल में, और जब भी खाना खाएं उसके बाद खाइए मुखवास की तरह, जैसे आप सौंफ सुपारी खाते हैं उस तरह से आप ये आंवला खाइए, न्यूट्रिटिव तो होगा ही, हेल्दी भी होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।